सालों अरसों बाद विश्व के किसी कोने में हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, हमारा अमृत काल से शताब्दी काल का जो सफर भारत तय करने वाला है, एक तरफ पांचवीं आर्थिक शक्ति के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, दूसरे तरफ ऐसे आविष्कार भारत में किए जा रहे हैं जो कभी भी पूरे विश्व में नहीं हो पा रहे, और पुणे पालपुर इसी का एक उदाहरण है कि जहां एक समय में 1905 में मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम ने इथियोपिया से शेरों का पुनर्स्थापन पुणे पालपुर में किया था, कल एक नई दहाड़ ग्वालियर संबल संभाग से निकलेगी, एक दहाड़ चीतों की, और ये एक केंद्र बनेगा केवल हमारे वन प्राणों के क्षेत्र में नहीं, लेकिन एक नई उपलब्धि होगी जिसके आधार पर क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि भी आगे बढ़ेगी, पर्यटन में बढ़ावा आएगा, सैलानियों में बढ़ावा आएगा, और ग्वालियर चंबल संभाग विश्व का एक केंद्र बनेगा। क्योंकि आप अनुमान लगाओ कि पूर्ण यूरोप में, पूर्ण एशिया में कोई और जगह नहीं है जहाँ चीता की स्थापना हुई है, वो केवल भारत में मध्य प्रदेश के अंदर पुणे पालपुर में पहली और आखिरी स्थान होगी। कल 8 चीताओं को प्रधानमंत्री जी स्वयं हरी झंडी देंगे और आने वाले समय में 30 और चीताओं को करीब करीब इस क्षेत्र में छोड़ा जाएगा उस क्षेत्रफल में। आप आज टाइगर लाने की आपने बात कही है शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी ये सोच है, भूपेंद्र यादव जी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये सोच है कि एक तरफ जहां रणथंभौर में टाइगर है वहां पुणे पालपुर में चीता होगा, शिवपुरी में अगले साल तक 5 टाइगर्स हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप जाइएगा पन्ना के पास, तो ये पूरी एक पट्टी राजस्थान के कोने से आप चले जाइए पन्ना तक, ये पूरी पट्टी एक वन प्रणाली के लिए, एक सैलानियों के लिए और वन के साथ जो लोग जुड़ाव रखते हैं उनके लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। 14 तारीख को भी आप 5 टाइगर लाने की आपने बात कही है शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी ये सोच है, भूपेंद्र यादव जी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये सोच है कि एक तरफ जहाँ रणथंभौर में टाइगर है वहाँ पुणे पालपुर में चीता होगा, शिवपुरी में अगले साल तक 5 टाइगर्स हम लोग रिलीज करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप जाइएगा पन्ना के पास, तो ये पूरी एक पट्टी राजस्थान के कोने से आप चले जाइए पन्ना तक, ये पूरी पट्टी एक वन प्रणाली के लिए, एक सैलानियों के लिए और वन के साथ जो लोग जुड़ाव रखते हैं उनके लिए एक बहुत आकर्षण का केंद्र बनेगा। 14 तारीख को भी एक बड़ा कार्यक्रम ग्वालियर एयरपोर्ट का होने जा रहा है, पीएम मोदी के आने की संभावना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।